नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया आईटी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों को होनिंग और लेपिंग के प्रीवियस दो वीडियो मैंने जो अपलोड किए अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आपने होनिंग और लेपिंग के पुराने दो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको आप देख लीजिए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होनिंग और लेपिंग में से। यदि दोस्तों चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा आज का फर्स्ट, जॉब की सतह पर चौड़ाई में रफनेस की अपेक्षा अधिक चौड़ाई में विषमताएं जब होती है तो उसे कहते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए कि जॉब की सतह पर चौड़ाई में रफनेस की अपेक्षा अधिक चौड़ाई में विषमताएं जब होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहा जाता है वेविनेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेविनेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है जॉब की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं उन निशानों की ऊंचाई व दूरी व दिशा खाली स्थान को प्रकट करती है। तो दोस्तों यह प्रकट करती है ऑप्शन डी, खुरदुरापन को प्रकट करती है। जो जॉब की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं उन निशानों की ऊंचाई दूरी व दिशा जो प्रकट करती है दोस्तों वो करती है खुरदुरापन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि जॉब की सतह की जिस दिशा में फिनिशिंग की होती है उसे कहते हैं। अब जॉब की सतह की जिस दिशा में फिनिशिंग की होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जॉब की सतह की जिस दिशा में फिनिशिंग की होती है उसे हम कहते हैं ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये, ले। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि जॉब की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं जो ऊंचे व नीचे होते हैं जिन्हें कहते हैं। जो जॉब की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं जो ऊंचे व नीचे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए आपके सामने। तो दोस्तों उसे कहा जाता है हिल्स और वैली। जो ऊंचे स्थान होता है उसे हिल्स कहते हैं और जो नीचे स्थान होते हैं उसे वैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब की जितनी लंबाई में सतह के ऊंचे स्थान को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आप एक बार और रीड कर लीजिए। इसमें आपको पूछा गया है कि जॉब की जितनी लंबाई में सतह के ऊंचे नीचे स्थानों को मापा जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं सैम्पलिंग लंबाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैम्पलिंग लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है यदि हाथ द्वारा चेक करने पर सतह पर हाथ फिसल ले तो उसे कहते हैं। यदि हम जो सरफेस होती है उसको हम हाथ के द्वारा चेक करते हैं और उससे हमारा हाथ फिसल जाता है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं स्मूथनेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि मशीनिंग करते समय कटिंग टूल की गति के कारण वर्कपीस की सतह पर निशान बन जाते हैं जिन्हें विषमताएं कहते हैं, इसे खालिस्तान भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको कि मशीनिंग करते समय क्या कर रहे हैं हम, कटिंग टूल की गति के कारण। कटिंग टूल जो गति करता है, मूवमेंट करता है, उसके कारण क्या होता है, वर्क पीस जो हमारा जॉब होता है उसके सतह पर निशान बन जाते हैं जिन्हें, जिनके उसमें क्या होती है, विषमता आ जाती है। तो इस विषमता को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है सरफेस स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कैलिब्रेटेड बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। जो कैलिब्रेटेड बॉक्स होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वह आपको बताना है। तो दोस्तों जो कैलिब्रेटेड बॉक्स होता है उसका जो हम प्रयोग करते हैं वह करते हैं तुलनात्मक माप लेने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तुलनात्मक माप लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल सर्फेस इंडिकेटर का स्टाइलस बना होता है। जो मैकेनिकल सर्फेस इंडिकेटर का जो स्टाइलस होता है वह किसका बना होता है। तो दोस्तों जो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का स्टाइलस बना होता है वह बना होता है हीरे का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस रफनेस का मान अर्थात सरफेस स्ट्रक्चर क्वालिटी को अंकगणित या आंकड़ों द्वारा दर्शाने को ही रा वैल्यू कहते हैं। यह वैल्यू द्वारा दर्शाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि सरफेस रफनेस का मान अर्थात सरफेस स्ट्रक्चर क्वालिटी को अंकगणित या आंकड़ों द्वारा दर्शाने की रॉ वैल्यू कहते हैं। यह वैल्यू खालिस्तान दर्शाई जाती है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। तो ये हम रॉ वैल्यू किसके द्वारा दर्शाते हैं। दोस्तों ये जो रॉ वैल्यू दर्शाते हैं हम दर्शाते हैं माइक्रॉन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइक्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। इसमें आपको नीचे दर्शाए गए सरफेस रफनेस सिम्बॉल में कौन चिन्ह लंबाई को प्रदर्शित करता है, मतलब इसमें कौन सा चिन्ह जो होता है वह लंबाई को प्रदर्शित करता है वह आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सी जो होता है दोस्तों यह लंबाई को प्रकट करता है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है सरफेस रफनेस ग्रेड, सरफेस रफनेस ग्रेड दी है एन टेन के लिए, निम्न में से रा मान क्या होगा, मतलब जो वैल्यू होगी एन टेन की वो कितनी होगी, वो आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 12.5 माइक्रॉन। अगला क्वेश्चन है रफनेस ग्रेड को N1 से N12 में व्यक्त किया जाता है। जो रफनेस ग्रेड होती है दोस्तों उसको हम व्यक्त करते हैं N1 से N12 तक इन चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। नीचे दर्शाए गए चिन्हों में से कौन सबसे रफ सरफेस को प्रकट करता है। चार चिन्ह दिए हैं इसमें और आपको इसमें बताना है कि सबसे रफ सरफेस को कौन प्रकट करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये जो होता है सबसे रफ सरफेस को प्रकट करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि नीचे दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्हों में कौन सबसे फिनिश सरफेस को दर्शाता है। तो इसमें आपको बताना है अब कि कौन सबसे फिनिश सरफेस को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो होता है सबसे फिनिश सरफेस को दर्शाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया आपके पास कि दर्शाए गए रफनेस चिन्हों में ए का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है और डायग्राम जो ए के द्वारा दर्शाया गया है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है दोस्तों अपरिष्करण का मान, मतलब सतह परिष्करण का मान या फिर अपरिष्करण का मान भी कहा जाता है, इसको हम आर ए से व्यक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अपरिष्करण का मान। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्शाए गए सरफेस रफनेस में चिन्ह में सी का अर्थ क्या है। इसमें आपको सी का अर्थ बताना है, सी का अर्थ क्या होगा। इसमें दोस्तों जो सी का अर्थ होगा वो होगा आपका आंसर बी सैंपलिंग लंबाई। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों सैंपलिंग लंबाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह में डी का अर्थ है। तो डी का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है कि डी का क्या मीनिंग होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्य की दिशा, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ लेबी कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ लेबी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य की दिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह में ई का अर्थ है। तो यहाँ पे आपको अब ई का अर्थ पूछा गया है। तो ई का अर्थ क्या होगा दोस्तों। ई को हम बोलते हैं मशीनिंग अलाउंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये मशीनिंग अलाउंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह में बी का अर्थ है। तो जो सरफेस रफनेस चिन्ह दिया है उसमें आपको बी का अर्थ बताना है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों उत्पादन विधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि चित्र में दर्शाया गया सरफेस स्ट्रक्चर आर ए वैल्यू प्रयोग होता है। जो सरफेस स्ट्रक्चर दिया आपको चित्र में उसमें आर ए वैल्यू प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आर ए वैल्यू प्रयोग किया जाता है यह प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये ग्राइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रफनेस मान आर ए वैल्यू है। तो इसमें जो रफनेस मान है आर ए उसका जो वैल्यू है वो कितना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है आर ए वैल्यू व्यक्त की जाती है। जो आर ए वैल्यू होती है रॉ मान जो होता है वह किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, वह व्यक्त की जाती है 0.0001 mm। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है सरफेस फिनिशिंग का अर्थ है। सरफेस फिनिशिंग का क्या अर्थ है दोस्तों। सरफेस फिनिशिंग का अर्थ होता है सतह की स्मूथनेस या रफनेस। सतह की स्मूथनेस या रफनेस को ही हम क्या कहते हैं, सरफेस फिनिशिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है जब किसी सतह पर अनेक विषमताएं हो तो वह होती है। जब किसी सतह पर अनेक विषमताएं हो तो वह होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उसे हम कहते हैं रफनेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको आपका ऑप्शन ये रफनेस। बढ़ते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। कटिंग टूल की गति द्वारा जो आपकी सतह पर पैटर्न का अर्थ है। जो कटिंग टूल होता है उसकी गति द्वारा जो आपकी सतह पर पैटर्न का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी सरफेस स्ट्रेस पर।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको लेपिंग पर यहाँ वीडियो अच्छे लगे होंगे तीनों। यदि आपने लेपिंग और होनिंग का फर्स्ट वीडियो, लेपिंग होनिंग का सेकंड वीडियो नहीं देखा होगा तो साथ साथ वो भी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका लेपिंग और होनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। और आई होप कि आप लोगों को मेरे ये लेपिंग और होनिंग के तीनों वीडियो अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो यदि अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आता हूँ। फिलहाल स्किल इंडिया आईटीआई चैनल में इतना ही है, और हम आगे और नए वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो आप देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्किल इंडिया आईटीआई चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।